Who is this idiot? Zameen ka malik! Delhi ki zameen ka malik hoon main! Hindustan ki zameen ka malik hoon! Kota logon ka koi zameen nahi hota. क्या हुआ साहिब, उसने क्यों मारा आपको? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या कहते हो साहिब? वो हमारे घोड़ों की पीठ पर बैठकर हम पे सवारी करते हैं। बोलो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हुजूर? क्योंकि लगामें तुमने उनके हाथ में दे दी हैं। नहीं साहिब, मुगालता है आपको। हमने उनसे कुछ लिया और ना ही कभी कुछ उनको दिया है। कमकल, हिंदुस्तान तुमसे छीन लिया उन्होंने। आपसे किसी ने झूठ कहा है। मेरे पास तो हिंदुस्तान कभी था ही नहीं। दिल्ली में क्या हसीनों की कमी है? आप इश्क को जरा कम समझते हो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मियां, इल्मे इश्क पर क्या दस्तरस है आपकी, और तुफ है तुम जैसे आशिक पर जो माशूक की जुस्तुजू में तवाइफ की जूतियां अपने सर पे रख ले। जूतियों से कुछ काम नहीं है हमको, ना सर पर रखते हैं ना पैरों से उतरने देते हैं। सीधी तरह कसम खा के बोल, आज के बाद तो कंचन भाई के कोठे पर नहीं जाएगा। कसम तो हम खा लेते हैं भाई, पर उस कसम का क्या करें जो कंचन का नाम लेकर खाई है हमने। तो फिर सुन रखियो बालम, एक कसम हमने भी तुम्हारा नाम लेके खाई है। उसके कोठे पर तेरे दिल का मजार बनाएंगे। सुन रखियो,
भले जान से मार दीजिए वालम, पर मरने से पहले ताजा खबर का खुलासा सुना के जावेंगे। ये समझियो वालम, अंतिम इच्छा है हमारी। झट से बोलो और शकल गुम करो अपनी। वो जो कोटले है ना हुजूर, उसने गली डेरा राम वाली बैठक जुलमी को 500 रुपए में बेच डाली। मतलब गली का मोल मोड़ो और सामने रकीब का जलवा। क्या बकते हो नाम रादो? राम 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 राम, भगवान की शोगन सुराने सच कह रहा हूँ हजूर। खोसले की उम्र कितनी है हजूर? को 24-25 साल का होगा। तो यूं कहो ना, खोसले बेचारा जवानी में मर गया। राम राम। तुम दोनों की उम्र कितनी है हजूर? हजूर मैं 26 का और ये 27 का। तो यूं कहो ना, खबर झूठी हुई तो जवानी में मरोगे तुम। राम राम राम। राम राम। अन्न क्या रामदेव? हम आज आपने हम अर्ज करेंगे हजूर। अब बात सुन लीजिए बादामी, 6 रोज बराबर बादाम की गिरियां चुग रहे हो, अब के जो बाजी हाथ से गई तो तेजदार की छुरी चलेगी तुम पर। इससे पहले तेजदार का खंजर तुम्हारी गर्दन पर चलेगा। क्या हुआ बालम? खबर मिली कि गली दिला राम वाली बैठक तू जुल्मी को बेचेगा। वो तो मैं बेच चुका हुजूर, 500 में सौदा हुआ है। 500 तेरे किस काम के? नहीं हुजूर, 500 में लाल कुएं के पास हरी राम से दुकान खरीदी है, वहां सरसों का तेल बेचूंगा। ना दुकान तेरे काम की, ना सरसों का तेल। वसीयत लिख, और वसीयत में लिख तेरे बाद दुकान किसको मिलेगी और तेल किसको चढ़ेगा। मेरे बाद? याद रखियो घोसले, इधर जुल्मी तेरी बैठक में पैर रखेगा, उधर तेरे रिश्तेदार चिता पर तेरी लाश रखेंगे। लगता है बदामी अब के तू बाजी जीतेगा, पर हम बाजी हार जाएंगे। आदाब हुजूर, आइए तशरीफ लाइए। आइए। नाम नहीं पूछेंगे? अरे हुजूर, यहाँ नाम नहीं दाम पूछे जाते हैं। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। दिल्ली में पहला शख्स मिला जो कारोबार में पहले दाम की बात करता है फिर नाम पूछता है। फिर भी मैं बता दूं, खाकसार को वली मिर्जा कहते हैं।
اور خادم کو پنی میاں کہتے ہیں؟ تو پھر بات کریں پنی میاں. بھائی ہم سے کیا بات کریں گے، بس کنچن آیا ہی چاہتی ہیں. کنچن مالکن ہے یہاں کی؟ جی حضور وہی سب کچھ ہے، آپ کہیں تو مالکن کہہ دیتے ہیں. آداب. تشریف رکھیے حضور. کیا پیجیے گا حضور؟ جی شکریہ، بس کام کی بات ہو جائے تو میں رخصت جاؤں گا. ابھی تو رات ہوئی ہے صاحب، رات کو ذرا ڈھلنے تو دیجیے. نا جی، مجھ جیسے بے ٹھکانا آدمی کو رات کے ڈھلنے سے ڈر لگتا ہے. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لکھنؤ سے آیا ہوں. بازوق ہوئے نا. کتنے کمرے ہیں یہاں؟ دو تین تو ہوں گے. آراستہ؟ جی ہر طرح سے آراستہ. میرے بھی نصیب برے ہیں. کیوں کیا ہوا؟ مجھے تو لکھنؤ سے سیدھے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا. یہ ہوئی نا بات. تو بھاڑا کیا ہوگا؟ بھاڑا کچھ تو سوچا ہوگا آپ. ہم سمجھے نہیں حضور. دلی میں پہلی بار آیا ہوں، رہنے کو بھاڑے پر کمرہ چاہیے. منظور ہو تو پیشگی آپ کی مالکن کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں. ابے اٹھ، ابے اٹھ. یہ تو بڑی بد تہذیبی ہے قبلہ. نا معقول آدمی، تمہیں کس نے کہا کہ بائی کے کوٹھے پر بھاڑے کے کمرے ملتے ہیں؟ تو یوں کہیے آپ کی طرف سے انکار ہوا، گریبان کیوں پکڑتے ہو؟ تیرا ظلمی کہتا کچھ نہیں حضور، آپ کی طرح سیدھے گریبان سے پکڑتا ہے اور ایسا کس کے پکڑتا ہے حضور کہ ڈیلے تڑک کے آنکھوں سے باہر نکل جائے. بیٹھک کی بات کر. کہتا ہے حضور تیری بیٹھک میں گھونسلے سمجھ کہ ہم بیٹھ کے. بہت زور کا دھنگا ہوگا کھوسلے. گلی دل آرام کی دیواریں ظلمی کا لہو چاٹنے والی ہے. قسم کھا کر کہیے بات ظلمی کے لہو سے آگے نہ بڑھے گی. یوں تو بیر ہمارا ظلمی سے ہے، پر ظلمی سے پہلے ایک آدھ گھونسلے بھی مرے گا. میں نے تو چیخ چیخ کر کہا حضور کہ میں کھت نہ بیچوں گا، اور یہ نہیں کہا کہ 500 کے بدلے 600 دوں گا. پھر کیا بولا؟ بولا کچھ نہیں، پان کی پیک تھوکی اور کہنے لگا ظلمی جب پان کی پیک تھوک دے تو سمجھو ملاقات کا وقت ختم.
देखो जुगनू मियां, तुम्हारी सोजिश से तालाब के ठहरे हुए पानी में तूफान नहीं आएगा। कोई चार छह लोग नहीं, पूरा हिंदुस्तान सो रहा है। और इस तरह के सोने को नींद नहीं, मौत कहते हैं। और मौत को जगाने के लिए शोर फूंकनी पड़ती है। और तुम हमें जुगनू मत समझो बालम। हम काली रात में जलते हुए दिए हैं। बुझने से पहले एक दिया और जला के जाएंगे। कोई उम्मीद अगर हमसे है तो समझो पूरी ना होगी। अरे हमें तो खुद इतनी नींद आई है कि हम किसी हिंदुस्तानी को जगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फिर मैं चंदन से बात करूं? उनसे क्या बात करोगे मियां? रामदेव तुम क्या 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 बोलूं? फिरंगी हिंदुस्तान को लूट रहे हैं रामदेव। तुम्हें क्या लूट के मारने से हिस्सा चाहिए? बूंदों में जब आंख बरसने लगती है, बारिश मुझसे बातें करने लगती है। मैं पानी को हाल सुनाया करती हूँ, मैं पानी को हाल सुनाया करती हूँ। तेरी याद में दुल्दुल छाया करती हूँ। तू बारिश है जो मोती जन्मा करती है। बैठते नहीं है लेकिन गली दिल आराम के रहने वालों को हम पराया नहीं समझते। दिलबर हजूर, अजीब उलझने दिल है कि कौन किससे मिले। खुदा हो सामने फिर सामने जो तू आए। जी जनाब, आप कहे तो बल्ली मारा से जलेबी और दूध ले आवे। जलेबी तो खैर हम खाते नहीं है और दूध घर में सिर्फ बानो पीती है।
यूं तो समोसे भी मिल सकते हैं। मजबूरी क्या थी जो यहाँ खींच लाई? अरे हाँ, वो जो मुस्टंडा दीनदयाल है ना, उसने हमारे चौखट पे खड़े होके चाचा को गालियां दी, धमकाया कि आज ही आज में अगर 2000 वापस नहीं मिले तो चाचा को छुरी मार देगा। कहाँ किसी दीनदयाल की हिम्मत है माजबी कि वो पलट के अब तुम्हारी चौखट पर आए। यूं कि हम मान लें कि दीनदयाल अब आने वाला नहीं। आने वाला है तो फिर जाने वाला नहीं। यूं कि उस रात आपने हमारी पाजेब लौटाई थी हमें, उसका भी शुक्रिया। वो कौन है जो झुकी नजर से सलाम करके चला गया है? उसी नजर से था काम सबको, वो काम करके चला गया। यूं कि उस रात एक बात खटकी थी हमको, जिस तरह आपने देखा था हमको, वो देखना आपका कुछ ठीक नहीं था। आ गया? अरे लाख समझाया तुझे, इन तिलों में तेल नहीं है। तेल तो पन्नी मियां तेरे सर से निकालूंगा और चांदनी चौक में हरिराम तेली को बेचूंगा। बदले में जो पैसे मिले उनसे बुजरा सुनूंगा तेरी बाई का। हमारे पैसे और हम ही को मियाओ। अबे चल। आज बहुत गुस्से में हो बांके? मेरे सर पर खून सवार है कंचन भाई। सो तो है पर खून है किसका? तेरे जुल्मी का। इसीलिए तो कहती हूँ मुंह पर झूठ बोलते हैं आप। झूठ नहीं बोलता कंचन, आज वो तेरे कोठे पर चढ़े वापस लाश उतरेगी उसकी। पर आप तो कहते थे तुम पर मरते हैं हम। तो इसमें झूठ जरा नहीं है। तो फिर समझ के रखो बालक, जो किसी पर मरते हैं किसी को मारते नहीं। मोहब्बत से नफरत की राह कुछ अलग है कंचन भाई। तुम पर मरते हैं पर जुल्मी को मार के रहेंगे। मारोगे जुल्मी को? जान हमारी लोगे पर कसूर क्या है उसका? गली दिल आराम में खोसले की बैठक खरीदिया उसने। अब रकीब से तो हम साईगी नहीं होती। उम्र कितनी है आपकी? मतलब उम्र का पूछ रही हूँ। कुल 22 के होंगे हम। 22 में तो मोहब्बत सीखी आपने, मोहब्बत में कम उम्र हुए ना? हम कुछ समझे नहीं कंचन भाई। मालूम है गली दिलाराम में घोसले की बैठक क्यों खरीदी उसने? सुरैया रहती है वहां।
सुरैया पर मरता है मेरा जुल्मी। और जानते हो बैठक खरीदने के पैसे किसने दिए? मैंने। मोहब्बत आठ पहरा रोजा है साहिब, और इसमें बस जी पर पत्थर बांधते हैं। जान नहीं लोगे उसकी? माफ करना, मैं भी रोजे से हूं। लकड़ी का सुलगना देखो या मेरे दिल का तड़पना देखो, मौत देखी नहीं जाती लेकिन मेरा उस शख्स पे मरना देखो। क्या हुआ साहिब, उसने क्यों मारा आपको? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या कहते हो साहिब? वो हमारे घोड़ों की पीठ पर बैठकर हम पे सवारी करते हैं। बोलो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हुजूर? क्योंकि लगामें तुमने उनके हाथ में दे दी हैं। नहीं साहिब, मुगालता है आपको। हमने उनसे कुछ लिया और ना ही कभी कुछ उनको दिया है। कमकल, हिंदुस्तान तुमसे छीन लिया उन्होंने। हाँ
आपसे किसी ने झूठ कहा है। मेरे पास तो हिंदुस्तान कभी था ही नहीं। जी में आता है, गर्दन में तेरी रस्सी डाल के किसी खूंटे से बांध के रखूं तुझे। कमज़ोर, इस हथेली पे तेरे पैर रख रख के चलना सिखाया तुझे। दिल्ली के छिछोरे, ये उल्टे पैर चलना किससे सीखा तुमने? अमा अमा चाहिल, अगर इश्क पेचे लड़ाने का इतना ही शौक था तुझे तो दिल्ली में क्या हसीनों की कमी है? आप इश्क को जरा कम समझते हो भाई। सुभान अल्लाह मियां, इल्मे इश्क पर क्या दस्तरस है आपकी, और तुफ है तुम जैसे आशिक पर जो माशूक की जुस्तजू में तवाइफ की जूतियां अपने सर पे रख ले। जूतियों से कुछ काम नहीं है हमको, ना सर पर रखते हैं ना पैरों से उतरने देते हैं। सीधी तरह कसम खा के बोल, आज के बाद तो कंचन भाई के कोठे पर नहीं जाएगा। कसम तो हम खा लेते हैं भाई, पर उस कसम का क्या करें जो कंचन का नाम लेकर खाई है हमने। तो फिर सुन रखियो बालम, एक कसम हमने भी तुम्हारा नाम लेके खाई है। मार डालेंगे कंचन को और उसके कोठे पर तेरे दिल का मजार बनाएंगे। सुन रखियो। मार दीजिए मालूम, पर मरने से पहले ताजा खबर का खुलासा सुना दीजिए। जमीन का मालिक, दिल्ली की जमीन का मालिक हूं मैं, हिंदुस्तान की जमीन का मालिक हूं। कोता लोगों का कोई जमीन नहीं होता। बराबर तो मिला कर मुझको